नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियोजीत और आप देख रहे हैं स्टूडियो इन्फो सोलान। आज बात करेंगे जग्गा जासूस के बारे में। तो जग्गा के बारे में आप जैसे जानते हैं कि बाकी सब रिव्यूज़ में बोला गया है कि वो एक ऑर्फन है और मोइनागुड़ी में उसका घर है। और ये कहानी शुरू होती है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप्स के केस से। और स्वास्थ्य चैटर्जी यहाँ पर जग्गा के फादर की भूमिका में हैं। उनका एक्टिंग बहुत उम्दा है और रणबीर कपूर माशाल्लाह इतना अच्छा बढ़िया, मे बी ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स इन आवर जनरेशन, देख के दिल खुश हो जाता है। और पूरा कहानी में बहुत लूप होल्स है, मगर एक चीज़ तो मुझे लगा कि रणबीर कपूर ने पूरा का पूरा मूवी अपने कंधों पर ले चुके हैं और वो कंधे पर लेकर ही पूरा आगे बढ़े हैं। और बीच बीच में 20 या 25 गाना मैंने काउंटिंग भी नहीं किया, पूरा का पूरा सब गाना सब पिक्चराइजेशन इज़ एब्सोल्युटली इनोवेटिव। इतना बढ़िया मूवी मैंने बहुत दिनों बाद देखा और इंडियन सिनेमा में मुझे लगता भी नहीं ऐसा कोई मूवी है। तो बाबू राव आप्टन ने आपको बोल रहे हैं कि आप जाके ये मूवी देखिए, क्योंकि ये बहुत पैसा वसूल मूवी है और जो भी खामियां हैं थोड़ा उसको नज़रअंदाज कीजिए। सो मेरे लिए ये रिव्यू में मैं स्टार्स तो देना नहीं चाहूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जाके देखिए, इट्स अ वेरी गुड मूवी। टाइम पास नहीं है, इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनर, दोस्त लोग के साथ देखिए। और हाँ, कुछ कुछ लोगों को इसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट दैट्स ओके ना, सबको सब कुछ पसंद होना चाहिए ऐसा भी तो कहीं पर लिखा नहीं है, मगर मुझे तो अच्छा, मैं माई ओपिनियन आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मूवी। आप जाके देखिए, पूरा का पूरा पैसा वसूल है। थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी दूसरा कोई एपिसोड दूसरा कोई टॉपिक लेके। तब तक के लिए अलविदा।